ओए क्या हुआ छोटे? अरे कुछ नहीं सर जी, बस माँ की और घर वालों की याद आ गई। छोटे, याद तो मुझे भी आती है, पर ये धरती भी तो हमारी माँ है। होली गए हुए कितने दिन हो गए? 3-4 महीने हुए होंगे साहब जी। क्यों, क्या हुआ साहब जी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेटे का खत आया था। कह रहा था पापा इस बार की होली दुश्मन के साथ नहीं हमारे साथ मनाना। बड़ा ही भोला है जी। भोला भी है और प्यारा भी। देखो भगवान ने चाहा तो अगली होली घर पर ही मनाएंगे साहब जी। कश्मीर में 2 महीने के लिए मिशन पे गया था, लौट कर आया तो मालूम हुआ कि मेरी माँ मर चुकी थी। तब से मैं इसी माँ की सेवा कर रहा हूँ। तेरी तो फिर भी 2 माएँ हैं, रो मत, खुश रह। फौजी है तू फौजी, और फौजी कभी रोते नहीं है। बस यही सोच, इसी सोच की वजह से लोग हमें इंसान नहीं पत्थर समझते हैं। फौजी के दिल थोड़ी ना होते हैं, कौन कहता है? बस एक चीज है जो धड़कती है। कोई किसी कॉलेज में जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, और हजारों की तादाद में लोग उसका समर्थन करते हैं। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, कहते हैं इंडियन आर्मी फोकट का राशन खाती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे लीडर्स आतंकवाद पर हमारी जीत का प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ? अब हम उन्हें सबूत दें कि आप सब हर रोज बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे हकमुत लेते हैं, कैसे पार्टी कर लेते हैं, कैसे सुकून से सो लेते हैं। लेकिन इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किसके लिए हम यहां खड़े हैं? हम यहां उन लोगों के लिए खड़े हैं जो इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उनका भाई, उनका बाप, उनका शौहर इस देश की हिफाजत के लिए यहां बॉर्डर पर खड़ा है। अच्छा चलो चलो, हमारी शिफ्ट खत्म, अब अगली बटालियन का आने का टाइम हो गया। चलो। और हमारी छुट्टी भी अप्रूव हो गई। छुट्टी? किस चीज की छुट्टी? राखी की सर जी, पूरे 5 साल बाद मिलूंगा मैं अपनी परी से। क्या बात है। ओह, मेरा तो भाई इसकी तो छुट्टी अप्रूव हो गई यार। सावधान, अभी अभी सूचना मिली है कि बॉर्डर से कुछ आतंकवादी सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान रहें। जनाब हमारी खबर पक्की थी। जा छोटे, अपनी माँ का कर्ज पूरा कर ले। Mm-hmm.
ओए छोटे तू यहाँ है और तेरी जीत का जश्न मना रहे हैं। हाँ आ गया साहब जी आ गया। परी ओ परी। हाँ माँ क्या हुआ? आ गई अपने भाई को फोन कर और बोल उसे इस बार ना आया ना तो वहीं रह ले और वहीं अपने दुश्मनों से राखी बंधवा ले। अरे वाह भैया बड़ी लंबी उम्र आपकी। मैं तो आपको ही फोन मिला रही थी। अच्छा अच्छा सुन आ रहा हूँ मैं इस बार राखी पे, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। अरे चलो चलो झूठ तो बोलो मत, मुझे पता है तुम इस बार भी नहीं आओगे, लेकिन घबराओ मत मैं इस बार भी तुम्हारी राखी संभाल के रखूंगी। और हाँ जब तुम आओगे तो तुम्हारे पूरे हाथ पे राखी बांध के तुमसे ढेर सारे गिफ्ट लूंगी बच्चू। अच्छा बाबा ले लेना। अच्छा ठीक है बाय, मेरे सीरियल का टाइम हो रहा है। बदमाश। ओए छोटे बड़ा खुश है तू, तेरी खुशी को कहीं नजर ना लगे। अरे सर जी नजर कैसे लगेगी, अपनी छोटी बहन से मिलने जा रहा है वो भी पूरे 5 साल बाद। छोटे कुछ एक राखी हमारे लिए भी बंधवा लेना, सोचेंगे हमारी बहन ने हमारी कलाई पर बांध दी। हाँ हाँ जरूर सर जी। परी ओ परी भाई वाली राखी अलग रख देना। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? भाई वाली राखी अलग रख देना। हाँ मेरी माँ मैंने आपके लाडले की राखी भगवान जी के आगे संभाल के रख ली है, आप आराम करो चिंता नहीं। मुझे पता है तो इस बार भी नहीं आएगा। ओ परी हमेशा जल्दी में रहती है, पूजा की थाली मैंने वहां ताक पर रख दी है, जा ले जा और बिट्टू को राखी बांध दे। और सुन घी के दिए जलाना मत भूल। जला दूंगी और बिट्टू को तिलक भी लगा दूंगी, मिठाई भी खिला दूंगी और फिर उसे राखी बांधकर उसे पैसे भी ले लूंगी। हेलो हाँ जी जी ओके। परी बेटा जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मुझे पता है इस बार भी बिट्टू ही होगा, हमेशा डोरबेल बजा के भाग जाता है। आज मैं इसी दरवाजे पे ही राखी बांधूंगी। बिट्टू शहीद जवान कुलदीप को सलामी देगा, सलामी दे। चला गया बेटा तू। अरे चलो चलो झूठ तो बोलो मत, मुझे पता है तुम इस बार भी नहीं आओगे, लेकिन घबराओ मत मैं इस बार भी तुम्हारी राखी संभाल के रखूंगी। इतना काम करेगी क्या मेरे गांव? जब तुम आओगे तो तुम्हारे पूरे हाथ पे राखी बांध के तुमसे ढेर सारे गिफ्ट लूंगी बच्चू। परी हमारे राखी नहीं बांधेगी। रो मत माँ, अभी तेरे दो बेटे जिंदा है।
उनके की कह दे कि इस बार राखी पर जरूर आए। मेरे वतन के लोग जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जय हिंद भारत।